नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के फगुआ भट्टा के पास नेपालियों से भरी एक बस कंटेनर से टकरा गई, जिसके बाद नेपाली यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें सवार लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे की मुख्य वजह एक्सप्रेसवे की देखरेख करने वालों की लापरवाही बताई जा रही है। नेपाल से जयपुर जा रही यात्रियों से भरी बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क पर पड़े एक कंटेनर की टक्कर लगने से पलट गई, जिसमें सवार सभी यात्री घायल हो गए। घायल सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं, जो जयपुर की ओर जा रहे थे। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया गया है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों से जानकारी लेने पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस हादसे की सबसे बड़ी वजह एक्सप्रेसवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, कि जिस ट्रक के कंटेनर से नेपालियों से भरी बस टकरा कर पलटी है, वह कंटेनर एक्सेल टूट जाने के कारण सड़क पर पहले से ही पड़ा था, लेकिन एक्सप्रेसवे कि किसी अधिकारी व कर्मचारी ने उसको वहां से हटवाने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी को बचा के आगे निकले, वो गाड़ी। आप लोग कहां से आ रहे थे, तो कहां जा रहे थे? हम नेपाल से जयपुर जा रहे थे। जयपुर जा रहे थे, तो एक्सप्रेस वे पर क्या घटना हो गई? एक्सप्रेस वे घटना कि एक गाड़ी तो पलटा हुआ था, उसको बचाते हुए थोड़ा सा आगे आगे सड़क पलटी हुई। यानी कि ट्रक पड़ा था, उसी से आपकी गाड़ी लड़ गई, बस लड़ गई। कितने लोग घायल हो गए? लगभग 20-22 लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर। से पीछे वाली गाड़ी आ रही थी, वहाँ थोड़ा टर्न था है रोड में, तो वो बहुत ओवर स्पीड रही होगी, जिसके कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल नहीं कर पाई। वहाँ पर सभी सेफ्टी मेजर्स लगे थे, सभी साइंस लगे थे, और उसी के कारण ये दुर्घटना होने की स्थिति सामने। सर, मरीजों का कहना ये है कि एक्सप्रेस वे पे जो एक्सीडेंटल ट्रक पड़ा हुआ था रोड पर, वो हटाया नहीं गया लापरवाही के चलते टोल कर्मियों या एक्सप्रेस वे कर्मियों के कारण। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसका एक्सल टूटने के कारण दोनों पहिया उसके निकले अचानक, और वो कंटेनर, उसकी सूचना पर तुरंत सेफ्टी टीम ने वहाँ जो सेफ्टी मेजर्स जितने भी हैं, जो कोन्स लगाए जाते हैं ताकि दूर से ड्राइवर समझ जाए, उसे बचा के चले, तो वो सब वहाँ पर थे। और बाकी उसको हटाने के लिए सभी सेफ्टी मेजर्स, जो हाइड्रा मंगाना, उसकी कार्रवाई चल रही थी। कितने दिन हो गए थे वो एक्सल टूटे हुए? कितने दिन से खड़ा करते? नाइट की बात है सर, नाइट की बात। मैं उससे थोड़ी देर पहले की बात है। सर, क्या शुभ नाम है सर? जय कुमार। जय कुमार, क्या काम देखते हैं एक्सप्रेस वे पे? सुरक्षा।